दोस्तों, विजुअल बेसिक की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज विजुअल बेसिक्स में फॉन्ट को कैसे का यूज कैसे करते हैं वो आज हम जानेंगे। जैसे कि फॉन्ट में आपको साइज को बढ़ाना, फॉन्ट का नेम चेंज करना, या फिर फॉन्ट की जो है कलर को चेंज करना, या फिर बोल दीजिए बॉर्डर, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें जो होता है आप एक्सेल में नॉर्मली आप यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में जा करके होम की मेनू ऑप्शन में मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये काम वीवीओ में करना हो तो आप कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी सी वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का इस जो होता है वीडियो का जो होता है टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि फॉन्ट है। फॉन्ट में जो ये सारी एक्टिविटी कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे और मैं इसमें जो होता है आपको फॉन्ट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो मैं वीवीए के थ्रू करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने डेवलपर टैब में और यहाँ से विजुअल बेसिक ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कोडिंग बना रखी थी तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और हम फिर यहाँ से इसे जो होता है देखेंगे एक एक स्टेप करके। जैसे कि दोस्तों, आप जैसे जनरली यहाँ पे कोडिंग मान लीजिए आप जो एक्टिविटी करते हैं वही हम बीबीए में भी करेंगे। तो आप सिंपली आप जो होता है आपको पता होगा कि अगर हमें जहाँ भी कहीं भी इसका फॉन्ट में जो भी चेंजेस करने होते हैं हम जिस रेंज तक करना चाहते हैं उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद और वहाँ पे हम चाहे उसकी साइज को जो होता है इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो या फिर बोल्ड इटैलिक या फिर कोई भी कलर देना हो, नेम चेंज कर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके उस रेंज तक आप उसमें जो होता है वो चेंजेस करते हैं। सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो हम यहाँ विजुअल बेसिक ऑप्शन अपने जो होता है स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने इसका नाम अभी लिख दिया है सब फॉन्ट फंक्शन। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। रेंज आप जहाँ तक जैसे मुझे चेंज करना है उस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज ये डाटा जो मेरा है ये C2 से लेकर के C14 तक है तो हम यहाँ इसे जो है C2 से लेकर के C14 तक का रेंज दे देते हैं और डबल इनवर्टेड कॉमा। और जैसे मान लीजिए अभी मुझे इसका जो है नेम चेंज करना है तो हम यहाँ सिंपली यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है फॉन्ट। फॉन्ट में अब मुझे ये जो है फॉन्ट के बाद जब आप दोबारा डॉट लगाते हैं फॉन्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। आप इसे देख सकते हैं एप्लीकेशन बैकग्राउंड बोल्ड कलर क्रिएटर्स फॉन्ट स्टाइल इटैलिक नेम पेरेंट जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉन्ट का मुझे अभी नेम चेंज करना है तो हम यहाँ सिंपली बस नेम लिख देना है और आपको इक्वल के साथ उसका नाम दे देना है। सपोज जैसे मुझे अभी इसका जो है एरियल करना है या फिर जो है टाइम्स न्यू रोमन करना है यहाँ पर लिख देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। यही होता है आप जो है जनरली वहाँ पर जाते हैं नेम ड्रॉप बॉक्स में और उसके नाम को वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है और इसी तरीके से यहाँ पे एक बार इसको हम रन करके देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको हम एक बार चेक कर लें। देखिए ये टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। तो फिलहाल अभी ये तो एक अभी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो रेंज जो होता है फॉन्ट के बाद जैसे ही आप डॉट लगाते हैं तो फॉन्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपको एक्टिवेट मिल जाते हैं, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है। तो ये हम ये यहाँ जो जो फंक्शंस हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उसका मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा अब मुझे जो है यहाँ पे इसको टाइप करने के बजाय मैं इसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी। और अब जैसे मुझे मान लीजिए फॉन्ट को मान लीजिए इसका जो है मुझे साइज़ बदलनी है तो साइज़ फॉन्ट डॉट साइज़ कर लीजिए आप इसे। अगर जैसे यहाँ पे देखिए जैसे मैंने साइज़ लिखी थी तो जो था वो ड्रॉप डाउन वाला मेनू वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो डॉट मैंने नहीं हटाई थी। आप दोबारा यहाँ से डॉट लगा लेंगे तो क्योंकि क्या होगा इससे आपको थोड़ी सी हेल्प और आइडिया मिलता रहता है कि अगर जब ये चीज़ें हाईलाइट होती रहती है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो मेरा सही चल रहा है। तो इसलिए हम दोबारा से यहाँ से डॉट हटा लिए थे और दोबारा से वहाँ पर लगा लेते हैं। और उसके बाद अब मुझे जो है इसकी साइज़ बदलनी है तो हम इसके साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज़ लिखने के बाद आपको इक्वल लगाना है। आपको जो भी साइज़ यहाँ पर देनी है 12 देना 14 देना आप वहाँ से पे दे सकते हैं। सपोज मुझे 12 देना तो मैंने 12 दे दिया और आप 14 20 जो भी देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब की बार जैसे मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो हम जो होता है डॉट बोल्ड लिख देते हैं
बोर्ड लिखने के बाद आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जैसे कि आप दोस्तों जब कभी आप बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो आपका जब बी पे ही आप अगर जब क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर दोबारा अगर आप जो तो बी को जो ये बोल्ड वाला जो बटन ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो होता है डीएक्टिवेट भी हो जाता है। मतलब एक ही ऑप्शन को क्लिक जो होता है करने पे वो एक्टिवेट भी होता है और दोबारा जो होता है क्लिक करने पे वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो अब जो ये हम जो मतलब हमें जो कि ये ट्रू फॉल्स वाला जो बटन है उसको हमें एक्सेल में कैसे बनाएंगे, तो एक बार हम जो होता है क्लिक करें तो वो मेरा ट्रू हो जाए मतलब एक्टिवेट हो, तो इसके लिए फिर हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू, और दोबारा इसे ये जो होता है डीएक्टिवेट हो तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉल्स। अगर आपका ऐसा कोई यहाँ पे की है तो अब से अगर एक ही की से दो अपनी दो बार दो एक्शन होते हैं दो बार क्लिक करने पर, तो आप ट्रू और फॉल्स का दे करके उसे यूज कर सकते हैं बीबीए में। तो दोबारा यहाँ पे हम इसको जो होता है ट्रू के बाद अब हम यहाँ फॉल्स कर देते हैं। तो ये जो होता है फॉन्ट के बोल्ड को यहाँ जो बोल्ड है इसे हम जो होता है इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया दोस्तों बोल्ड का। अब इसे अगर हमें जो होता है इटैलिक करना हो तो हम इटैलिक कैसे करेंगे, दोबारा से हम इस रेंज को जो होता है सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे बोल्ड की जगह मुझे इटैलिक करना है तो हम सिंपली फॉन्ट डॉट इटैलिक, ये देखिए ऑप्शन मिल गया। अब इसे जो होता है एक बार हम ट्रू कर लेते हैं क्योंकि मुझे इटैलिक चाहिए, तो ट्रू के बाद अब दोबारा जैसे मुझे मान लीजिए इसको जो होता है मुझे फॉल्स करना है तो मतलब ये दोबारा बंद हो जाए डीएक्टिवेट करना होगा, तो मुझे इसी फंक्शंस को दोबारा से जो होता है डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इसे फॉल्स देना होगा। तो रेंज जो होता है सीधे यहाँ जो ट्रू है अब इसको हम यहाँ फॉल्स कर देते हैं, ये देखिए तो इटैलिक भी आपका यहाँ से ट्रू फॉल्स की वजह से यहाँ ओपन और क्लोज आपका होता रहेगा। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे मुझे जो होता है फॉन्ट के कलर को बदलना हो तो हम यहाँ कैसे बदलेंगे इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। इस पूरे रेंज को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका जो होता है कलर बदलना है तो फॉन्ट इसमें जो होता है कलर बदलने के दो ऑप्शन है, मैं पहला ऑप्शन दिखाता हूँ उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। पर दूसरा ऑप्शन तब आप यूज कीजिए जब आपके कलर का कोई जो होता है उसका नंबर पता हो। जैसे इसमें जो दूसरा ऑप्शन कलर इंडेक्स का है, कलर इंडेक्स में जो तो 1256 नंबर तक का कोई भी आप यूज करके उसका जो था कोडिंग यूज करके आप उसका उसमें कलर दे सकते हैं, लेकिन आप उसे तब यूज करें जब आप उसके कलर का वो इंडेक्स आपको पता हो। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपका जो था ब्लैक है, ब्लैक का अगर इंडेक्स नंबर अगर 4 हो तो आपको अगर ये चीज पता है कि हमारा जो कुछ जो कौन सा कलर है उसकी इंडेक्स नंबर क्या है तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज आप उसे ना यूज कीजिए क्योंकि आपको पता रहेगा नहीं। और आप अगर उसे टाइप करते हैं तो आप जो आपको जो कलर चाहिए वो नहीं मिलेगा तो आप झूठ का बर्तन हो। इससे अच्छा है कि आप फॉन्ट डॉट कलर को यूज कीजिए और उसमें जो होता है उसका जो जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। जैसे मुझे अभी जो होता है रेड देना है या फिर ग्रीन देना है तो सिंपली आपको जो जो भी कलर देना है उसके उसके नेम के पहले आप बीबी लगा करके उस कलर का नाम दे दीजिए। जैसे जो होता है बीबी ग्रीन दे देता हूँ, अब ये देखिए फिर यहाँ पे कलर जो होता है उसको फॉन्ट में इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं। अब मान लीजिए जो होता है इसकी साइज को मैंने यहाँ दिखा दिया, बोल्ड भी दिखा दिया, इटैलिक दिखा दिया, और फॉन्ट के कलर को भी आप जो होता है यहाँ से इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और अब जैसे मैं अगला बताता हूँ फॉन्ट की नेम को आप कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर सिंपली कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इस बार कलर की जगह हम लोग अब यहाँ पे कलर की जगह हमें जो होता है नेम देना है तो हम फॉन्ट डॉट नेम कर देते हैं। अब इस बार नेम को जो होता है जैसे मुझे सॉरी मैंने नेम तो पहले लाइन पे ही आपको बता दिया है टाइम्स न्यू रोमन, तो इसकी जगह पे अब हम लोग जो होता है कोई दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। और मान लीजिए साइज को भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया हम लोगों ने, और अंडरलाइन का एक ऑप्शन बचता है तो वो भी हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अंडरलाइन के ऑप्शन मिल जाता है इज इक्वल टू, अब ये भी एक ही ऑप्शन से एक्टिवेट भी होता है और डीएक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे हम भी इसको इसका यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स का यूज करेंगे तो हम यहाँ ट्रू और फॉल्स ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए अंडरलाइन एक बार जो होता है अगर हम इसको रन कराएंगे तो एक बार ये ट्रू हो जाएगा मतलब अंडरलाइन आ जाएगी, और दोबारा अगर जो होता है फिर ये जैसे ही नीचे वाले ऑप्शन पे जाएगी तो ये फॉल्स भी उनका हट भी जाएगा।
तो ये देखिए ये सारे कुछ ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप फॉन्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं बीबीए के थ्रू। तो अब इसे हमें जो होता है इसे रन करा के देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसको स्क्रीन को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आपको यहाँ रन करा के दिखाते हैं। तो अब हम फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करते हैं जो कि स्टेप इनटू का ऑप्शन है। तो अब इसको देखिए पहला जो मैंने कोडिंग लिखी है कि ये जो C2 से C14 है जो फॉन्ट का जो नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। तो हम इसे जो होता है फंक्शन की एग्जाम F8 प्रेस करते हैं देखिए, और ये मेरा रन होना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए अब इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल था वो टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। अभी मैं फिलहाल इसको जो था कोई और पहले से भी ये था क्योंकि मैंने आपको एक बार दिखाने के लिए यहाँ किया हुआ था, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं पता चले। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तब आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाएगी। अब मान लीजिए एरियल है एरियल नैरो, इसको मैं इस तरीके पूरे रेंज को सेलेक्ट करके कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस भी क्लियर तरीके से पता चलती रहे। और एरियल नैरो अभी, तो अब हम जो होते हैं अपने विजुअल बेसिक में जाते हैं और इसको रन कराते हैं। पहले इसको हम रीसेट कर देते हैं। रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आप इसे जल्दी क्लिक करके इसे आप रीसेट कर लीजिए। अब फिर इसको जो होता है स्टार्ट कीजिए। फंक्शन के साथ F8 प्रेस करते हैं। उसके बाद जो होता है आप देखिए टाइम्स न्यू रोमन होगा। आप इसे यहाँ पे नज़र बनाए रखें। अभी ये देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए एरियल नैरो है। और हम लोग अपने विजुअल बेसिक में चलते हैं। अब इसको F8 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चूंकि अब क्या हो चुका है टाइम्स न्यू रोमन, इसका फॉन्ट स्टाइल भी जो होता है चेंज हो चुका है। तो इस तरीके ये कोडिंग है फॉन्ट के जो होता है नेम को चेंज करने का। रेंज C2 से C14, ये जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है डॉट फॉन्ट डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी आपको फॉन्ट का नेम देना है आप जो होता है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर दे दीजिए। फिर अब जो होता है दूसरा कोड है आपका फॉन्ट के साइज को चेंज करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी है रेंज C2 से C14 जहाँ तक आपको जो होता है चेंज करना है वहाँ तक सी, उसके बाद डॉट फॉन्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 12। तो अब हम इसको जो होता है रन कराते हैं। ये देखिए अब इसकी साइज जो होता है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ये 12 हो चुकी है। अब यहाँ पे जो दूसरा कोड है दोस्तों ये है बोल्ड को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करने के लिए। जो कोड है रेंज C2 से C14 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू होने पर मतलब ये मेरा बोल्ड हो जाए, और दोबारा जो होता है ये फॉल्स होगा मतलब ये फिर ये हट भी जाए। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारा जो होता है यहाँ पे आप देखिए ये ट्रू हो चुका है। अब जैसे ही एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये देखिए हट भी जाएगा। सेम इसी तरीके से इटैलिक है ट्रू और फॉल्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए अभी इटैलिक हो गया है, दोबारा अगर करते हैं तो ये हट भी जाएगा। सेम इसी तरीके से फॉन्ट के कलर को अगर यहाँ पे चेंज करना है जिसका कोड है रेंज C2 से C14 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू बीबी ग्रीन, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए अभी ये देखिए पूरा आपका फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अब आपको रेंज C2 से C14 डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन करना हो है आपको तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन का यूज करके एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हम लोग करना सीखेंगे। तो F8 हम यहाँ प्रेस करते हैं। देखिए ये सब जगह पे यहाँ पे अंडरलाइन लग गया है और इसे हटाना भी है तो फॉल्स ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये हट भी जाएगा। और इसी तरीके से ये पूरा आपका कोड रन हो चुका है और एंड सब में आ गया है। ऐसे हम जो होता है दोबारा F8 प्रेस करते हैं तो ये पूरा कोड आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो होता है फॉन्ट ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन को VBA के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।